घर के मैं टोटली काम कर सकता हूँ। पैरों से सिलाई करना है, पैरों से सुई में धागा डालना है, पैरों से कपड़े को काटना है कैंची से, उसके बाद जैसे कंघी करना है या शेप बनानी है, सभी काम कर सकता हूँ। हाथ तो देखो जी बचपन से नहीं है, परमात्मा ने भी नहीं दिए, फिर भी उसके बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ वैसे सिलाई का कार्य करता हूँ अपने पाँव से ही। तो आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? मैं जी पांचवी पास करी। ताई जी आपका लड़का मदनलाल जन्म से ही अपंग है, तो उससे आपको किसी तरह की परेशानी उठानी पड़ती है या अपने आप कर लेता सारा काम? आप कर ले भाई सारा, रोटी पानी आप खाए, सा पानी पी लिए, नहा धोई कर लिए सारो। दिन बाद में आगे मैंने गाँव में दुकान करी। शुरू शुरू में मेरा वैसे संख्या सी गाँव में, तो मैं दुकान बंद करके सिलाई करा करता हूँ। दिन बाद में आस्ता 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 गाँव में पता लगे वो काम करे तो सबको तसली हो गई। तो मैंने 18-20 साल काम करे, अभी भी गाँव में दुकान सिमटारी कर रखी है। देखिए आपके दोनों हाथ ना होते हुए भी आप सभी काम कर लेते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं करते, तो आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? लोगों को क्या कहता हूँ, देखो जो परमात्मा ने जैसे भेज दिया कुछ ना कुछ इस जन्म में भी कमा के खाओ, अपनी मेहनत लगन से करके खा के देखो। गाड़ी की तमन्ना दे रही हो, गाड़ी एक दिन चला के मैं रोड के ऊपर सभी लोगों ने दिखाऊँ, ये सबसे बड़ी तमन्ना है मेरी। कुछ लोग जन्म जात ही विकलांग होते हैं और कुछ किसी हादसे का शिकार होकर विकलांग बन जाते हैं। फतेहाबाद जिले के गांव बनगांव में जहां के निवासी मदनलाल जन्म से ही दोनों हाथों से वंचित हैं, लेकिन उन्होंने इस विकलांगता को अभिशाप नहीं माना बल्कि एक चुनौती के रूप में लिया और आज वह अपना जीवन बिल्कुल सही ढंग से जी रहा है, एक चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहा है। मैं सरकार व गैर सरकारी लोगों से अपील करूँगा, जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, कि मदनलाल की दिली इच्छा को पूर्ण करने में उसका सहयोग दें। मैं सत्यवान वर्मा बनगांव फतेहाबाद से इंडिया अनहर्ड के लिए।